नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जो कि है परमाणु की संरचना, पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात एवं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात को समझ लेते हैं। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे जे थॉमसन ने सन 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत थे लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा। तो ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी जे जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ पर जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया तो उससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच जो अनुपात है इसकी यहाँ पर गणना की। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अपने पथ से विचलन की मात्रा जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, जिसमें से सबसे पहला है, कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है, इस प्रकार विचलन अधिक होता है। तो कण पर ऋणावेश का मान जितना अधिक होगा उतना ही विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप उतना ही अधिक विचलन देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कण का द्रव्यमान जितना अधिक हल्का होगा उतना ही उसमें विचलन अधिक देखने को मिलता है, एवं विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इलेक्ट्रोडों पर वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। तो यदि हम विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा दें या इलेक्ट्रॉनों पर वोल्टता को बढ़ा दें तो इससे जो इलेक्ट्रॉन का मूल पथ होगा इससे विचलन जो है वो अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच का जो अनुपात का निर्धारण है वो इस उपकरण से किया गया है। यहाँ पर कैथोड एनोड होता है, इनको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ देते हैं जिससे कैथोड किरणें निकलना यहाँ से शुरू हो जाती है। कैथोड किरणें निकलेगी तो अगर इसके रास्ते में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को रख दिया जाए तो ये उन क्षेत्र की उपस्थिति में इनके रास्ते में विचलन देखने को मिलता है और इसी विचलन के आधार पर इनके आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात का निर्धारण किया गया। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के विचलन की मात्रा का सही सही माप करके और उसके प्रेक्षण से थॉमसन ने E डिवाइडेड बाय ME के मान का निर्धारण किया, और जो E डिवाइडेड बाय ME का निर्धारित मान आया वो था 1.75 8820 मल्टीप्लाई बाय 10^11 कूलाम केजी इनवर्स। तो इस प्रकार थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बीच का अनुपात जो है वो ज्ञात किया, जो कि इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश।
आर ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के निर्धारण के लिए एक विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग कहलाता है। तो आर ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना की। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलाम, विद्युत आवेश का नवीनतम मान 1.602176 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलाम है। थॉमसन के ई डिवाइडेड बाय एम ई अनुपात के मान से इन परिणामों को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्धारित किया गया। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका अनुपात निकालना पड़ेगा ई डिवाइडेड बाय एम ई की मान से। अब इसको इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 1.602176 × 10^-19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमें पहले ज्ञात चल पता चल चुका है पहले, जो कि आया था 1.758820 × 10^11 कूलाम के इनवर्स। तो इनको यहाँ पर हल करने पर इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर प्राप्त होता है 9.1094 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 केजी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का यहाँ पर निर्धारण किया गया। अब हम समझते हैं मिलिकन की तेल की बूंद विधि। तो इस विधि में कणिक द्वारा उत्पन्न कुहासे के रूप में तेल की बूंदों को विद्युत संघनित्र के ऊपर की प्लेट में उपस्थित छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है। इन बूंदों को नीचे की ओर गति को माइक्रोमीटर दूरबीन के द्वारा देखा गया। इन बूंदों के गिरने की दर को मापकर मिलिकन की तेल बूंदों के द्रव्यमान को दूरबीन द्वारा देखा गया। इन बूंदों के गिरने की दर को मापकर मिलिकन तेल की बूंदों के द्रव्यमान को मापा सके। कक्षक के अंदर की वायु को एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। गैसीय आयनों द्वारा तेल बूंदों के संगठन से तेल बूंदों पर विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो ये तेल की बूंदें हैं इनको यहाँ पर कणिक के द्वारा जो है वो इसमें जो है प्रवाहित की गई। अब यहाँ पर जो है एक विद्युत क्षेत्र रहता है, और यहाँ पर जो ये प्लेट है यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसकी सहायता से जो तेल है वो नीचे की ओर जाने लगता है। अब ये एक यहाँ पर एक समान एक गति से जो है नीचे की तरफ जैसे ही जाने लगता है, तो यहाँ पर जो दूरबीन होता है, दूरबीन यहाँ पर इसको देखने के लिए लगाई गई होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स किरण पुंज का स्रोत होता है। जैसे हम एक्स किरणों को यहाँ से प्रवाहित करते हैं जो वायु से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तेल की बूंद पर इस तेल की बूंद को आवेशित कर देते हैं। तेल की बूंदों पर विद्युत आवेश एक्स किरण द्वारा उत्पन्न अधिशोषण वाले आयनों द्वारा अपनाया गया। इन आवेशित तेल की बूंदों का गिरना रोका जा सके, त्वरित किया जा सके अथवा स्थिर किया जा सके। अब जो ये आवेशित तेल की बूंदें हैं उनको स्थिर किया जा सके या एक समान रूप से त्वरित किया जा सके, इसी के लिए यहाँ पर जो है वो विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर लगाया गया है। तेल की बूंदों की गति पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता के प्रभाव को ध्यानपूर्वक मार्ग पर मिलकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि बिंदु पर विद्युत आवेश क्यू का परिणाम हमेशा विद्युत आवेश ई का गुणक होता है। अब जैसे ही यहाँ पर तेल की बूंद आवेशित हो गई, तो आवेश ई के मापन के लिए मिलकन का जो तेल बूंद उपकरण है वो कक्षक में गतिमान
तेल की बूंद पर कार्यकारी। अब इस तेल की बूंद पर जो कार्यकारी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत स्थैतिक तथा श्यानता तल कर्षण बल, तो इन सभी बल का यहाँ पर निर्धारण करके और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की जा सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज एवं परमाणु मॉडल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।